दासी, ओ दासी, तुझे क्या हुआ? तू तो बहुत बोलने वाली है। आज तूने अपने गाल क्यों फुला रखे हैं? ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रही है मानो काली नागिन फुसका रही हो। लगता है लक्ष्मण ने तुझे कोई सीख दी है। हम सबने केश गुनाए हैं, फिर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? किसी से झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? दासी, तुझे मेरी सौगंध, सच सच बता, तुझे काहे की उदासी है? रानी जी, मुझे काहे की उदासी? तुम्हें कुछ मालूम भी है अयोध्या में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या षड्यंत्र चल रहा है? आज राम को छोड़कर किसी की भी भलाई नहीं है। कल होगा जिसका राज तिलक, मर्तबा बुलंद सी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद सी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है ये खुशी नहीं, ये मातम है। अरे बजते हैं जो ये न कर, आवाजों में इनके गम है। खुल गए भाग को शल्या के, है दया उसी पर विधाता की। अरे रानी, किस घोर नींद में हो, अब लोक चाल निज राजा की। वे ही राजा, वे ही दशरथ, और ये जड़ तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसी को मुकुट पहनाते हैं। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाल जाल, ये विशेष पुनि चेरी कवि भरत वत मोस काल। काने खोरे और कुबरे को कुटिल और कुचाल ही समझना चाहिए, उसमें भी स्त्री, खासकर दासी। चल निकल यहाँ से घर घोड़ी। किसने तेरी मती मारी है जो साफ रुई की ढेरी पर आई बड़के चिंगारी है? अब के जो ऐसे वचन कहे तो वो तेरा नुचवा लूंगी। युवराज, युवराज होंगे राम जी क्षण, तब तुझको मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इसलिए इसलिए पुरस्कार ये ले। कल होगा राम का राज तिलक, दासी उपहार में हार ये ले। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ना भूखी माल की है जीत राम की रानी जी, हार तो भरत लाल की है। ओ दुष्टा, मौन हो जा। राजपाट के कार्य के बीच में बोलने वाली तू होती कौन है? मुझे समान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखे हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, ये दोनों मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो राम नैनों का दुलारा है, यदि भरत गोद का दुलारा है तो राम नैनों का तारा है। भरत शपत तो ही सत्य कहो, परिहरि कपट दुरा, हरस समय विस्मय करसी
दासी, तुझे भरत की सौगंध, इस प्रपंच को यही छोड़। इतने हर्ष के समय तू क्यों विषाद करती है? रानी जी, मेरी सारी आशाएं तो एक बार के कहने में ही पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभा लगाकर ही कहूंगी, मेरा भागा कपाल तो फोड़ने योग्य है, जो तुम्हें अच्छी बात कहने में भी दुख हो रहा है। पर क्या करूं, मुझसे आपका हित देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मुझको क्या गर्ज पड़ी ऐसी जो मुँह अपना नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रणिवासों में। नहीं कौशल्या, ने मंत्रा, ये कौशल्या की चालाकी है। तुझे मेरी सौगंध, सच सच बता। रानी जी, अपने भले और बुरे की तो पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। आज 14 दिन हो गए अयोध्या को सजते सजते, और तुम्हें खबर हो रही है अब वो भी मुझसे। रानी जी, मैं आपका नमक खाती हूँ, आपके राज्य में रहती हूँ। यदि मैं बनाकर झूठ कहूँ तो विधाता मुझे दंड दे। यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो तुम्हारे जीवन में विपत्ति के बीज बोए जाएंगे। मंत्रा, तू ठीक कहती है। नित्य प्रतिदिन मेरी आंखें भी फड़कती हैं और मुझे सपने भी बुरे बुरे आते हैं। मंत्रा, तेरी मति पे बलिहारी है अब से भरत ऋण तेरा, तू ही उसकी मेहतारी है। मुझ सीधी ने समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तेरी मति पे बलिहारी, जाओ दीवार कपट की फोड़ी है। मंत्रा, अब से जो तू कहेगी ना वही मैं करूंगी। तेरे कहने से मैं अपने पति और पुत्र दोनों का त्याग कर सकती हूँ, पर अब तू ही बता मैं क्या करूं, कोई उपाय बता। रानी जी, जब से मैंने राज तिलक की बात सुनी है मुझे चैन नहीं आता। अच्छा, एक उपाय बताती हूँ। आपको याद है आपने मुझे एक कथा सुनाई थी। कौन सी कथा? रानी जी, महाराज पर तुम्हारे दो वरदान धरोहर हैं। आज तुम वह दो वरदान क्यों नहीं मांग लेती? पर मैं उन दोनों वरदानों में क्या मांगू मंत्रा? पहले वर में भरत लाल को संपूर्ण अयोध्या का राज्य, और दूसरे में उस राम को 14 वर्षों का वनवास। तू ठीक कहती है मंत्रा, तू ठीक कहती है। क्या मजाल अब राजा की अधिकार भरत का चूर करे। एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे, है रामचंद्र भी राजकुंवर कोमल है, निरपराधी है, वन को 14 बरस बहुत, दो
चार बरस ही काफी हैं। रानी 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 आई जब नाव किनारे पर, तुम चलती फिर तूफानों में, क्यों अपने हाथों मार रही तुम कुल्हाड़ी पैरों में। अरे समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम धाम 14 दिन से, लो लगे हाथ बदला उस कौशल्या सौतन से। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मगर होशियार रहना और वर तभी मांगना जब राजा राम की सौगंध खा ले। कुछ समझ गई, कुछ जान गई रानी, जाओ को भवन में तुम, वो देखो संध्या होती है। रानी जाओ को भवन में तुम, मेरी बात याद रखना, मेरी बात याद रखना, यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रणिवासों में। यदि तू इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुझको कौशल्या दासी समान रणवासों में। यदि तू इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुझको कौशल्या दासी समान रणवासों में। नहीं।